असला नाजरीन उस्मान बे अपने घोड़े कारेल का बदला कैसे लेगा आखिरकार कारेल को किसने मारा क्या कबीले में कोई गद्दार मौजूद है बे जिसने उस्मान बे पर भरोसा किया और शहजादी उस्मान बे के हवाले कर दी लेकिन फिर आपने देखा कि उस्मान बे बे के को जिंदा वापस नहीं दे पाया तो अब तुर्गुत और उस्मान बे के दरमियान ताल्लुक कैसे होंगे गुंदोज बे और उस्मान बे के दरम्यान कौन से मसायल पैदा होने वाले है बला उनकी बेटी होगी या बेटा तो इन तमाम सवाल के जवाब आज की वीडियो में शामिल हैं तो इसके लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें सबसे पहले हम उस्मान बे के घोड़े कारेल से अपने तैजे का आगाज करते हैं कि उसको किसने मारा ये फिर कबीले में कोई गद्दार मौजूद है देखे जैसे की हमने छियासठ किसके ट्रेलर में देखा जिसमे उस्मान बे ने कुछ अल्फाज बोले की ये सब कुछ उसी ने किया है जो पादरी ग्रेगर को हासिल करना चाहता है तो हमारे तेजे के मुताबिक उस्मान बे के ये अल्फाज कारेल और दूसरे होने वाले मामले के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ये अल्फाज कहेगा देखें दो लोग हैं जो ग्रेगर को हासिल करना चाहते हैं एक रोगतूस और दूसरा हरमानी का तयफुर मिहाल कोशिश जहाँ तक रोगतूस की बात है उसको अभी सीरीज में इतना तेज नहीं दिखाया गया जितना की सीरीज में मिहाल कोशिश को दिखाया गया है मतलब ज्यादा खतरनाक कोशिश लग रहा है जैसे की हम पहले ही पिछली वीडियो में बता चुके हैं की त्रुगुतल के, त्रुग के सिपाहियों को रास्ते में घात लगा कर खत्म करने वाला और घोड़े को मारने वाला मिहाल कोशिश ही होगा लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल यह है कि कोशिश ने उस मानवीय के घोड़े कार को कैसे खत्म करवाया देखिये इसके दो जवाब बनते हैं एक तो ये है कि कोशिश का काबीले में कोई जासूस मौजूद है जिसने ये काम किया होगा और दूसरा पादी ग्रैगर और उसका साथी अभी कबीले में ही मौजूद है वो भी ये काम कर सकते हैं क्यूँकी जो आदमी घोड़े को बेहोश करने के लिए पाउडर फूकता है उस वक्त उसकी दाढ़ी नजर आती है तो अगर इस बात को देखा जाए तो कबीले में अभी कोई ऐसा लैब्स या कोई पुराना या फिर नया किरदार नजर नहीं आया जिसकी सफेद दाढ़ी हो और उस पर शक किया जाए कि वो गद्दार हो सकता है तो इस तरह ये कहा जा सकता है कि ये काम पादरी क्रैकर का साथी या फिर ऐसा किरदार जो आने वाली किस्त में जाहिर हो सकता है वो ये काम कर सकता है आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा दूसरी तरफ बे और उस्मान बे के दरमियान आने वाली चांद एक साथ तक तनाव बढ़ेगा और वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे बिल्कुल उसी तरह जैसा कि दूसरे सीजन में उस्मान बे और उमर बे के थे लेकिन बाद में वो ठीक हो गए तुर्गुतलाब आने वाली किस्त में बाजी रोग के सिपाहियों पर हमला करेगा और उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचाएगा। क्या बालात उनकी बेटी पैदा होगी या बेटा देखें जैसा कि हमने गुजस्ता इसमें देखा जब बालातुन ने उस्मान बे से पूछा कि उसे बेटी चाहिए या बेटा तो उस्मान बे ने कहा बेटी तो इसलिए काफी शाइकिन कह रहे हैं कि बाला से आप बेटी पैदा होगी तो इस पर आपको बता चलें कि तारीख जरा के मुताबिक बे की बाला से बेटी नहीं बेटा पैदा हुआ था और उसका नाम अलाउद्दीन बे था तो लिहाजा अब सीरीज में भी बिल्कुल ऐसे ही दिखाया जाएगा आज की रिपोर्ट के मुतालिक आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा जी नाजिन आज की वीडियो बजने तक थी उम्मीद आपको पसंद आई होगी अगर हमारी वीडियो आप तक बर्वाद नहीं पहुँच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर्वाद पहुंचता रहे वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कर करते मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज